तो वही रामपुर के समीज गांव में बचाव और तलाशी अभियान सातवें दिन भी जारी है। सड़क के धंसने के कारण बचाव दल को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आईटीबीपी निरीक्षक नाथक चंद शर्मा ने बताया कि बारिश ज्यादा होने के कारण रास्ता धंस गया है, जिस कारण गाड़ियों का निकल पाना मुश्किल है। हमने सुरक्षा कारणों से गाड़ियों को भी रोक दिया है। आईटीबीपी 19 वाहिनी स्रान बोंडा से हम जो रेस्क्यू टीम लेके आ रहे हैं, मगर जिस पॉइंट में हमने जाना है उस पॉइंट में कम से कम यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर का फासला रह गया है, मगर बीच में जो है बारिश ज्यादा होने के कारण जो है बीच में एक जगह जो है रास्ता जो धस गया, नीचे स्लाइड हो रहा है, तो वहाँ पे जो है गाड़ियाँ निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अभी पीछे गाड़ियाँ रोकी है और हम सेफ जगह में गाड़ियों को ले जा रहे हैं। बाकी आगे जैसी सिचुएशन होगी आपको बता दिया जाएगा। आप देख ही रहे हैं यहाँ के क्या स्थिति है, क्या हालात है।